अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube फैमिली। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। अभी बज रहा है 7:30, तो हम निकले आज गाँव को हमारे। तो वहाँ पे आहिल रेडी हुआ है, यहाँ पे अम्मा है, तो अभी ऑटो बुलाए हैं। ऑटो पर बैठ के हम जाएंगे, अभी वहाँ से भी बस पकड़ के जाएंगे और एक बस और एक बस, तीन जगह स्टॉप होता है हमारा, हमारे गाँव का। तो आज हम इस घर को अलविदा करेंगे, फ्रिज को मिस करेंगे, मशीन को मिस करेंगे और टीवी को भी, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसीलिए वहाँ का दिखाऊंगी आपको, वहाँ का घर, वहाँ का क्या क्या है। अभी वहाँ पे ही फंक्शन हो रहा है ना, तो वहाँ पे मेरे साथ जुड़े रहो, ऐसे ही मैं आगे का सफ़र भी दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं मेरे दादी गांव जा रही हूँ। बोलो। मैं दादी गांव जा रहा हूँ। तो जी फ्रेंड, अभी हमें हमारे गांव में आके पहुंचे थे, तो एक होटल में बैठ के नाश्ता कर रहे थे। तो यहाँ पे इडली वगैरह मिलती है, पूरी, लेकिन ये सादा डोसा रहता है ना, यहाँ का थोड़ा फेमस है। तो ये खाने से पेट भी भरता है। तीन डोसे आ जाते हैं, इडली, चटनी और सब्जी के साथ में। तो सुबह से हम कुछ खा के नहीं आए थे ना, हमारे गाँव आने के बराबर ही बैठे एक होटल में और पहले नाश्ता कर लिए, तीनों जने तीन प्लेट लेके खा लिए। तो आपको कैसा लगा देख लीजिए और हमारे गांव का भी सफर देख लीजिए। तो जी फ्रेंड देख लीजिए, ये है हमारा गांव, प्यारा सा गांव। आजू बाजू पूरे खेत है, यहाँ पे बीच में छोटा सा गांव है ये। तो हम वहीं से ही ऑटो करके आए थे, 150 रुपये दिए ऑटो करके आए। तो ये है यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, देख लीजिए, लेकिन कोई नहीं जाता ज़्यादातर। यहाँ के जो लड़के हैं ना, पत्थर फोड़ डाल डाल के वो आईना से भी तोड़ के रख डाले हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, और कोई डॉक्टर भी दूसरा नहीं आता यहाँ पे, मतलब उतनी फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे इसीलिए। तो देख लीजिए, ये है हमारी गली, मतलब घर की, यहाँ पे ही मेरे ननद का घर है, मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे ननद का घर है और हमें थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा हमारे घर के लिए। हम कितनी खुशी खुशी आए थे कि हमारे घर में अच्छे से आए थे, लेकिन घर देखने के बाद इतना ख़राब दुख हो गया, क्या बताऊँ आपको। इतनी गली गंदगी होके पड़ी थी, इतना घास होके पड़ा था, अम्मा को तो आँख में आंसू ही आ गए, मतलब घर को देखते कि वो, मतलब इतने हम मेहनत के एक एक पैसा जमा के, छोटा होता कि नहीं अच्छे से घर बनाए हैं ना, घर को ऐसा देखे ना, तो कितना ऐसा खराब, कितने सालों से बंद पड़ा है, ऐसा हुआ था घर, ऐसा हुआ है। ऐसा होने के बाद वो घर देखे ना, तो बहुत दिल को ख़राब लगा, मुझे भी लगा आहिल, हालांकि मेरी अम्मा तो यहीं पर रहते हैं ना, तो उनको बहुत बुरा लगा, उनको आंसू ही आ गए। और एक बार मैं नहीं आती के बाद ऐसा बोल डाले हो, क्योंकि कोई एक इंसान रहता है ना यहाँ पे तो उतना गंदा नहीं होता,
तो सभी घर छोड़ के जा छोड़ते हैं ना, तो गंदा होता है घर, मतलब घर देखने को नहीं होता, ऐसा हो गया था घर। मतलब क्या करें, हमारा संत घर तो ये है, लेकिन हम काम के लिए दूसरे दूसरे गांव को जाना पड़ता है ना, तो अम्मा यहाँ यहीं पर रहते हैं। अम्मी की तबीयत भी इतनी खास नहीं रहती, तो हम लेके गए तो घर की हालत ऐसी होती है। तो वही जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे खास घर रहना चाहिए, या तो क्या ऐसी ही नहीं होती है हालत है क्या प्रॉब्लम। है, अपने घर को देख के बहुत तकलीफ हो गई, देख लीजिए यहाँ पे कितना गंदा हुआ था, कुत्ते उठा ले बैठे करे वो थे, नीचे पड़े पाइए कुत्ते ने पानी के टॉयलेट लिए। किया था, उल्टी करी थी, बहुत गंदा हुआ था। मुझे काम करने में नहीं, तो कितना टाइम किससे लगा मुझे ही पता सफा है, देख लीजिए यहाँ पे बहुत गंदा करके रखे थे, करने को। तो मुझे बहुत बुरा लगा। और यहाँ पे देख लीजिए, बीज बहाए नहीं तो भी भिंडी उगी है यहाँ पे, मेरे घर के सामने ही भिंडी उगी है, फूल माशाल्लाह इतने सारे उठे हैं, उतने सारे उठे हैं, देख लीजिए यहाँ पे। ये है हमारा गटर सामने वाला, लेकिन इसमें भिंडी देख लीजिए कितना माशाल्लाह, कितनी अच्छी उठी है। तो ऐसा है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ भी सब्जी डालो ना अच्छे से उग जाती है, लेकिन क्या करें, ऐसा 2 महीने के लिए पापा तो घर ज्यादा छोड़ के दिखाते गए हैं तो का। ये ऐसा हाल हुआ है, देख लीजिए जंगल का जैसा हो गया है हाल, बहुत बुरा लगा। अंदर भी बहुत पूरी मकड़ी की झाली झाली थी, साफ करे, फूल देख लीजिए कितने अच्छे हुए हैं माशाल्लाह, फूल बहुत सारे हुए थे, फूलों का लेके क्या घर में करूं, कोई घर लेना उतना ऐसी गंदा हो का गया जा था। रहती है देख तो कभी भी लीजिए। अपने मेहनत से इस बनाए हुआ साल घर दो ऐसा महीने हुआ मेरे तो पास बहुत बुरा रहेगी, लगता है, तो क्या करें अभी, अम्मा को यहीं पे जंगल छोड़ जंगल जाना हो गए पड़ेगा हैं। हमें, देखेंगे इंशाल्लाह क्या क्या होता है। तो आपको अगर मेरा ब्लॉग देख पसंद आए लीजिए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, कितना क्लीन था और यहाँ ऐसे पे। ही मेरी जर्नी में बने रहना। देख लीजिए अहिल के फंक्शन फूल तक फूल खिले अच्छे फंक्शन तक मैं अच्छे यहीं पे लेकिन रहूँगी और यहीं का ही ब्लॉग डालूंगी। जंगल। आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, मैं यहाँ पे बहुत मेहनत करती हूँ, वहाँ पे मुझे हाँ, तो हमें 2 महीना छोड़ के घर में आए तो एक मेहमान रेडी होके बैठा था। देख लीजिए ये एक रेडी होके बैठा था आज तक। यहाँ पे इस लकड़ी में बिल्ली का बच्चा डाला था, एक ही है, देखो कितना प्यारा है ना। तो जी फ्रेंड, एक ही रूम क्लीन अभी इतना ही साफ करी हूँ मैं, देख लीजिए सिर्फ इतना साफ करने में ही 1-1.5 घंटा लगने लगा मुझे। अभी देख लीजिए फ्रेंड, इतना पूरी गंदगी होके है, तो ये पूरा अभी साफ करेंगे। और इसकी हम आने के बाद इसकी माँ भी नहीं आ रही है, देख लीजिए यहाँ पे, तो इसका क्या करूँ मैं, दूध भी नहीं लेके आई, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका क्या करूँ। तो अभी देख लीजिए बहुत गंदगी हो रही है, बहुत बहुत, सभी क्लीन करना होगा मुझे थोड़ा थोड़ा। क्या सोच के आई थी और क्या हो गया, तो बने रहिए। तो जी फ्रेंड, देख लीजिए आहिल यहाँ पे सोया है, मेरा और मैं और आहिल यहाँ पे सोएंगे, अम्मा वहाँ पे सोएंगे। घर थोड़ा बहुत क्लीन करे हैं हम, अब और बहुत सारा क्लीन करने का है। तो आज हालत बहुत ख़राब हो गई इस घर को देखने के बाद। कल आप ब्लॉग देखेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा मेरे घर की हालत कैसी थी। तो जी आहिल वहाँ पे सोया है, देख लीजिए आहिल वहाँ पे सोया है, मेरा और आहिल का बिछाना है वो, तो हम दोनों यहाँ पे सो लेंगे। अम्मा है ना पलंग पे सोएगी, सोएंगे सॉरी। तो आज का व्लॉग यहीं तक का है, तो कल एक अच्छे से व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, और नींद बहुत बहुत खूब ख़राब आ रही है, कुछ नहीं खाना बनाई, एगरस बना के खा ली, दिखाने वाली थी नहीं दिखाई। तो कल एक अच्छे से व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, मैं भी आपको दुआ में याद रखूंगी। अपना ख्याल रखना, अपने घर में जो भी बड़े हैं उनका ख्याल रखना। गुड नाइट, शब खैर।